हेलो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या है, पहले उसके बारे में पढ़ें, फिर हम टॉपिक के अंदर चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली ये आया है ग्रीक वर्ड, ग्रीक से आया है। इसको समझे तो इसको थोड़ा सा हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? ट्राई गोनोमेट्री। थोड़ा इंग्लिश की प्रॉब्लम हो सकती है, देख लीजिएगा। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट। इससे ये स्पष्ट होता है कि थ्री एंगल्स का मेजरमेंट, तीन एंगल्स का माप। तो कुछ ऐसा शेप मिले जिसमें थ्री एंगल्स हो, उनका हम मेजरमेंट करें। तो ऐसे शेप कौन किस टाइप के शेप में हो सकते हैं ज्योमेट्री के पार्ट में, तो सोचिए आप लोग। एक ये भी हो सकता है, ये थ्री एंगल्स है, वन टू, वन टू, और इसको मैं यूं ले लूं थ्री। पर ये जो है क्लोज शेप नहीं है, खुली हुई शेप है। तो पहली बात, तो फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो शेप हमारा हो वो क्या होना चाहिए, क्लोज शेप होना चाहिए। क्लोज मीन्स बंद, बंद शेप होना चाहिए। बंद किस में हो सकता है? ट्राइंगल के अंदर हो सकता है। ट्राइंगल, थ्री एंगल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ट्राइंगल्स जिसमें तीन एंगल्स होते हैं, तीन ही साइड्स होती हैं। अब ट्राइंगल कितने टाइप्स का होता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ट्राइंगल थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ऐसा ट्राइंगल जिसमें तो उसकी तीनों ही साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जैसा कि इसको देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये साइड अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों की जो साइज है बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड्स बिल्कुल अलग अलग हो। दूसरे टाइप का जो ट्राइंगल आता है, वो ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल आता है जिसमें उसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो सकती हैं। कोई भी दो साइड्स चाहो तो आप इसको इसको ले लो, अगर ये दोनों नहीं लेना चाहते हो तो आप ये और ये ले सकते हो। मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ले रहा हूँ तो ये दोनों इक्वल साइड्स होगी। तो इसकी एक और खासियत ये होती है कि जो इक्वल साइड्स होते हैं इनको उनके अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब ये जो साइड है इसके सामने, अगर मैं इसके सामने की बात करूं तो ये हो गया, ये अपोजिट हो गया। और अगर इस साइड की बात करूं तो इसके सामने ये अपोजिट हो गया। इन दोनों के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस टाइप के ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तीसरे टाइप का जो ट्राइंगल आता है वो आता है ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही साइड्स क्या हो, इक्वल। मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, आपस में तीनों ही साइड्स इक्वल हो, उस टाइप और टाइप के ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्वी लेटरल ट्राइंगल। ओके, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी एक और ये खासियत होती है कि इसके अंदर जो तीनों ही एंगल्स होते हैं वो तीनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और सेकंड, आइसोसेल्स ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसके लिए में तीनों ही साइड्स अलग है तो तीनों एंगल्स भी जो होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, एक फोर्थ टाइप का जो ट्राइंगल आता है वो या तो आइसोसेल्स टाइप का हो सकता है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, या फिर स्केलिन टाइप का हो सकता है, और उसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल जैसे नाम से पता पड़ रहा है, एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल। राइट एंगल इसका ये साइन होता है 90 डिग्री के लिए। ओके, मींस ऐसा एंगल जिसमें एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कहीं कहीं हम 90 डिग्री लिखते हैं, कहीं ये साइन यूज करते हैं। ओके, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये 90 डिग्री बन गया, एक और चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जो ट्राइंगल है तीनों जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं तीनों के, अगर मैं इसको 1 लूं, इसको 2 लूं, इसको 3 लूं, और तीनों का मैं मेजरमेंट करूं, तीनों एंगल्स का सम करूं, तो वो 180 डिग्री आता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये 90 डिग्री, तो 180 में से 90 माइनस करो तो कितना बचा, 90। तो बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, इन दोनों का सम 90 होगा। इसका मतलब ये दोनों जो एंगल्स होंगे किस टाइप के एंगल्स बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे।
जो कि लेस देन के होंगे 90 होंगे। क्लियर है? तो हम एक्यूट एंगल के बारे में चर्चा करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत यहीं से होती है। ये ट्राइंगल से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से ही ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही एक मैथमेटिशियन ने, नाम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले उन्होंने क्या कही मैं उसकी बात करता हूँ, शायद आपको नाम भी पता पड़ जाए। उन्होंने ये बात कही कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है, सबसे बड़ा एंगल उसके सामने की साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। उस साइड का उन्होंने एक नाम दिया हाइपोटेन्यूस बोला, एच बोला, इस कॉन्सेप्ट एच नाम दिया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले चलो ठीक है इसका नाम एच दिया, फिर रिमेनिंग टू साइड्स जो बचती है, एक ये बची, ये बची, उन दोनों साइड्स का भी कुछ नाम होगा, एक को परपेंडिकुलर दिया, एक को बेस दिया। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है? नॉर्मल में बात करें हमारे माइंड में एक ही चीज सेट होता है कि ये परपेंडिकुलर हो सकता है, जो भी स्टेट हो बेस से वो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर बेस का डिसीजन इस बात पे होता है कि कौन सा एंगल मेजरमेंट कर रहा है, कौन सा एक्यूट एंगल, अभी हमने एक्यूट की बात की थी, हमें ये दोनों एंगल से एक्यूट होते हैं, तो कौन सा एक्यूट एंगल हम मेजर करने जा रहे हैं। अगर मैं इस एंगल को मेजर कर रहा हूं, इसको, इसका ऑपोजिट साइड हमेशा पी होता है, तो पी का मतलब आप जानते हैं परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस, और एच हमने बताया था ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। इन सब का हम फर्स्ट वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे उन मैथमेटिशियन ने जिन्होंने दिया था, जो कि अभी हमने नाम की चर्चा नहीं की है। तो मैंने बताया अगर ये एंगल मैं मेजर कर रहा हूं तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं ये वाला मेजर करूंगा तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसका छोटा सा डायग्राम आपको बना के बता देता हूं, 90 इसके सामने हमेशा एच, और ये एंगल अगर मेजर कर रहा हूं तो ये हमारा पी बन जाएगा और ये बन जाएगा बी। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में देंगे। और सुनिए, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल उनसे सबसे बड़ी साइड, लार्जेस्ट साइड, इसको अगर मैं नॉमिनेट करता हूं ए बी सी, तो सबसे बड़ी साइड आपकी ऐसी होगी, इसके सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग जो टू साइड्स बची हैं, दोनों रिमेनिंग कौन सी बची है, ए बी और दूसरी कौन सी बची है, बिल्कुल सही, बी सी, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। इज इट क्लियर? इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स ए बी एंड बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और जिन्होंने दिया था उनका नाम क्या था, बिल्कुल सही पहचाना आपने, उनका नाम था पाइथागोरस। और इस स्टेटमेंट को उनके नाम के अकॉर्डिंग जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, पी जी टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसको मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं आपके, पी जी टी, ठीक है। अब जैसा हमने पी बी एच की बात की, उसके अकॉर्डिंग इसका नॉमिनेट करें, तो ए सी क्या हो गया अपना, एच हो गया, एच स्क्वायर, ए बी क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर हो गया, बी सी क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री इसमें अगर हम आते हैं तो इसमें हमें तीन कंडीशंस मिलती हैं, इन पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इनमें पी बी और एच तीनों में से क्या होता है, किसी एक को गायब कर देता है, जैसे कि इस समय इसको गायब कर दिया और ये दोनों हमें दे दिया, तो इसको निकालना होगा हमें, कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, या तो हम जो गिवन है जो दे रखा है, बी दे रखा है, बी दे रखा है, इनों की वैल्यू रख के इसको निकालने दे रहे, या इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाए, इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटाए तो क्या बन गया, रूट लग जाएगा, जैसे स्क्वायर हटा रूट बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, प्रैक्टिकली बात करें, जैसे मुझे पी दे रखा है 4, बी रख दे रखा है 3, मुझे बोला गया आप एच निकाल के बताइए, तो बिल्कुल मैं एच निकाल के बता रहा हूं, क्या हो जाएगा, पी के प्लेस पे 4 स्क्वायर, बी के प्लेस पे 3 स्क्वायर, दोनों की स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 और ये 9, दोनों का सम कीजिए 25, इसका रूट लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। सेकंड ऑफ थिंग ये है कि जब मुझे
क्या दे रखा है इस कंडीशन पे, ये हम इसको इसी को लेके चलते हैं, एच स्क्वायर हमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इस कंडीशन पे मुझे एच गिवन है और पी गिवन है, मुझे ये नहीं दे रखा है, ठीक है, ये हमें नहीं गिवन है। उस कंडीशन में हम बी निकाले, सेम वही सिचुएशन जैसे कि एक क्वेश्चन दिया, एच हमारा हो गया 5, पी मुझे दे दिया 3, मुझे बी बोला गया है, आप मुझे फाइंड करके बताइए। तो कैसे निकालूं, या तो मैं इसके अंदर वैल्यू रख दूं, या इसका एक और नया कॉन्सेप्ट बनाता हूं, मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं। तो एक चीज आप जानते हैं, जब कभी भी इक्वल के इस तरफ कोई वैल्यू जाती है या इस तरफ से इस तरफ वैल्यू जाती है, तो हमेशा उनके साइन में चेंजेस हो जाते हैं, अदरवाइज पता ही नहीं पड़ेगा कोई इधर उधर गई कैसे, ठीक है। तो अगर लाल हमें ये नहीं दे रखा है तो हम क्या करें, इसको इस तरफ लेके जाए पी को, ये माइनस हो जाएगा, यहां प्लस था माइनस, इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर। अब इसको मैं इसको रीअरेंज करके मैं पी को पहले लिख देता हूं, कोई परेशानी तो नहीं है ना, पी पहले लिख देता हूं और पी को इस वाले पार्ट को इस तरफ लिख देता हूं, ओके। अब सेम वही सिचुएशन ऐसा बन गया, किस तरीके से बन गया, सेम ऐसा बन गया बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं बी के ऊपर से स्क्वायर हटा रहा हूं तो क्या आया, रूट आ गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब आपको बोला था ना कि एच 5 है, पी 3 है, बी मुझे फाइंड करना है, बिल्कुल वैल्यू रखते b is equal to root of h अपना 5 square और b है अपना 3 square, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का 25 ये 9 माइनस करें तो क्या आएगा, बिल्कुल सही 16, और 16 का अगर रूट लेते हैं तो क्या हो जाता है, अगर रूट नहीं लेना था इसको आप कर लो फैक्टराइजेशन कर लो 4 into 4 और पेरी में कर लो इसका ये 4 ये 4 तो क्या हो गया आपका तो इस समय हमें बी गिवन होगा और हमें पी फाइंड करना होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिचुएशंस यूज करेंगे, जहां बी है वहां पी और जहां पी है वहां बी यूज कर लें, जैसे कि यहां यूज करते हैं, यहां पी था वहां हम क्या रख देते हैं पी, बी और पी को ही आपस में इंटरचेंज करेंगे, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो पी के प्लेस पे बी, बी के प्लेस पे बी, तो यहां पी था पी ले लिया हमने, एच जैसा है वैसा रहेगा और ये हमारा बी हो जाएगा, ओके। जैसे अब सिचुएशन ले लेते हैं कि यहां पे अपने को एच 5 दे रखा है, ठीक है, और B मुझे दे रखा है 4, मुझे ये फाइंड करना है, कैसे निकालो, देखिए P is equal to 5 full square, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 square, ओके। तो क्या आएगा, अच्छा ध्यान रखिएगा, जब दो इक्वल्स की जरूरत होती है तो पहला इक्वल जो होता है इंप्लाइज लगता है, सब जगह लगेगा जब बार बार यूज करेंगे सब, इसके भी कहीं कहीं सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्क्स कट जाते हैं, यहां भी हमें यूज करना चाहिए, ओके। तो अब क्या बात करें, 25 4 का स्क्वायर 16 लेस करें तो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और 9 का रूट आप जानते हैं क्या होता है 3, ओके, इज इट क्लियर, आया समझ में, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने आज जो सीखा इसका पूरा कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं, कहीं भी कुछ डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे, फटाफट की फिनिशिंग कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हमने क्या सीखा, ट्राइग्राम ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। उसके बाद हमने ऐसा कौन सा शेप होता है जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं, तो वो है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट स्केलिंग ट्राइंगल जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होता है, फर्स्ट हमने बात की थी स्केलिंग जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है लाइक दिस, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। सेकंड हमने बात की थी जिसमें दो साइड इक्वल थे, ओके, और थर्ड हमने बात की थी जिसमें ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप का जो हमारा आया था राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें पीजीटी दिया था, पीजीटी के बारे में हमने पढ़ी थी, पीजीटी ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट हमेशा एच होता है, ये एंगल मेजर कर रहा हूं तो इसके अपोजिट पी हो गया, ये बी हो गया। पाइथागोरस ने बोला था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के
इक्वल होती है. ओके मुझे एच फाइंड करना होता तो मैंने क्या किया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया था. मुझे पी फाइंड करना था तो हमने क्या किया था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया. और मुझे पी फाइंड करना था तो मैंने क्या लिया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. यही कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस किया है. ठीक है, इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी आपको परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ भी, और लाइक कर सकते हैं. ओके तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.